वो सबसे आगे। बारी है हमारे कूल गुरुज के कूल फंडों की। जावेद की तरफ से इस बार जावेद के फंडे कुछ इस तरह से है कि एक गाने में आपकी जो वॉइस क्वालिटी है, अगर तो लो ऑक्टेव जब आप नीचे सुरों में गा रहे हैं तो भी आपकी वॉइस की क्वालिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, और आप मिड ऑक्टेव में गा रहे हैं तब भी आपकी वॉइस जो आपका टेक्सचर है वही रहना चाहिए। इसके अलावा जब आप हाई ऑक्टेव में भी गाते हैं तो आपकी वॉइस का टेक्सचर चेंज नहीं होना चाहिए। हर इंसान को संगीत में जो बेसिक न्यूएंसेस हैं वो समझने के लिए लिरिक्स, साउंड और संगीत के जितने भी प्रकार हैं उनके बारे में बेसिक जानकारी पहले रखनी चाहिए, इससे पहले कि आप पदार्पण करें किसी टेक्निकल न्यूएंसेस को समझने के लिए। तो जो बेसिक जानकारी है उसकी अगर आप लेकर ज्ञान और तत्पश्चात उसमें आगे बढ़ें तो ये होगा कि हमारी जो मूलभूत जानकारी है वो बहुत पहले सुदृढ़ होनी चाहिए, जो बहुत हेल्प करेगा उसके बाद उसकी टेक्निकल नॉलेज करने के लिए। आज के लिए मैं फंडा अपनी तरफ से उन सब लोगों को, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों, उनको मैं ये नसीहत देना चाहूँगा, क्योंकि शौक़ है, जुनून है, तो ठीक है, चाहे जितने मर्जी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स आप सीखना चाहें, आप अपना शौक़ पूरा करो, मगर एक इंस्ट्रूमेंट के ऊपर आप हमेशा कॉन्सनट्रेट करो। ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हर इंस्ट्रूमेंट में आप मास्टरी हासिल करने की कोशिश करें। बेशक बाउंदा मतलब तरीके से आप बजाएं उनको, लेकिन एक इंस्ट्रूमेंट आपका मेन इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, क्योंकि उस पर आपका सबसे ज़्यादा ध्यान होना चाहिए और वो आपका मेन इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। जैसे मेरे लिए पियानो मेरा मेन इंस्ट्रूमेंट है, हालांकि मैं बहुत सारे और इंस्ट्रूमेंट्स बजाता हूँ। इस चीज़ को आप दिमाग में रखिएगा हमेशा, जो आप सीखना चाहें तो ज़रूर सीखें, लेकिन एक इंस्ट्रूमेंट पे आप हमेशा कॉन्सेंट्रेट करें, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे वो गायकी हो, जो भी वो आपका शौक हो, लेकिन एक मेन होना चाहिए और उस पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। चलो सबसे आगे।